फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों यदि आप कक्षा 10 के एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स की ओर से कमेंट आ रहे थे कि कक्षा 10 के एग्जाम में मैथ का जो क्वेश्चन है, मैथ में चूंकि 70 नंबर का पेपर होने वाला है लेकिन 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का होने वाला है तो प्रोजेक्ट में क्या लिखा जाए, प्रोजेक्ट वर्क क्या है और जो बोर्ड की ओर से जारी निर्देश है उसमें कौन कौन से चीज़ें टॉपिक हैं जिसे आपको लिखना है। क्योंकि यदि स्कूल की ओर से नहीं लिखवाया जाता है तो आपको अपने से लिखना होगा, और अपने से लिखने के लिए आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, नहीं तो फिर आपको वह नंबर मिलने वाला है नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट में वह चीज़ें रहनी चाहिए जो बोर्ड की तरफ से मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको लिखने हैं और कौन कौन से लिख सकते हैं आप अपने खुद से। तो वीडियो लास्ट जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है यहाँ से, नहीं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट ऐसे ही आ रहे थे तो इस पर एक वीडियो बनाना जरूरी हो गया। तो वीडियो लास्ट जरूर देखिएगा, उससे पहले यदि आप नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों के पास ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैथ में आपको पता है प्रोजेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं कि कहाँ से लिखें और क्या लिखें, ये चीज़ें हैं। एकदम नया पैटर्न में क्या चीज़ें हैं उसको देखा जाएगा। तो देखिए, जो नया पैटर्न है उसमें जो 30 नंबर का जो प्रोजेक्ट होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसका यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए 12 पॉइंट टोटल मेंशन किए गए हैं। पहला तो यह पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन आप कर सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 12 पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है, 12 पॉइंट में से आपको 3 ही करना है, जिसमें से जो बराहमा है वह इंपॉर्टेंट है। बराहमा निश्चित तौर से करना है, बराहमा के अलावा 2 और आप 11 में से 2 और कोई कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। दूसरा है जनसंख्या अध्ययन के लिए सांख्यिकी का उपयोग क्या है इसके बारे में बताना है। तीसरा है विभिन्न ज्यामिति आकृतियों की वास्तुकला निर्माण में भूमिका बताना है। चौथा है त्रिकोणमिति अनुपातों का चिन्ह सहित जो है चार डायग्राम बनाना है। ठीक है, पांचवा है उत्तर मध्यकाल के किसी भी भारतीय जो है गणितज्ञ के बारे में बताना है। और उसके बाद छठवां जो है वह 24x24 के माप को लेकर जो है चौड़ाई और मोटाई को लेकर यहाँ पे जो है वक्र पृष्ठ में बताना है, और आयतन इसका किसका अधिक होगा यह बताना है। उसके बाद सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अध्ययन करना है, कैसे किया जाता है, तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद आठवां है वृत्त के केंद्र पर कोण तथा परिधि पर बने कोण का दूना होता है, यह आपको बताना है, सिद्ध करना है। नौवां है दूरी मापने वाले यंत्र को बनाना है और इसका उपयोग लिखना है। दसवां है गणित के सिद्धांतों का चित्रकला में उपयोगिता क्या इसके बारे में बताना है। ग्यारहवां है एक कार खरीदने के लिए बैंक में से लोन लेने के लिए विभिन्न चरणों के बारे में व्याख्या करना है। और बारहवां क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और यह निश्चित तौर से करना ही करना है, इसमें से यह किसी भी एक जो है भारतीय गणितज्ञ के बारे में आपको वहाँ पे उसका जीवन परिचय लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो है भारत के गणित की उज्ज्वल परंपरा या फिर गणित की पारंपरिक विधियाँ या फिर भारत के प्रमुख गणिताचार्य के बारे में, इन तीनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको निश्चित तौर से करनी है। तो 12 पॉइंट टोटल है, 12 पॉइंट में से 3 प्रोजेक्ट लिखना है, और 3 प्रोजेक्ट में जो बरहमा है जो कि जीवन वाला है, परिचय वाला है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो लिखना ही है, उसके अलावा 2 और लिखना है। अब दोस्तों ये बात आती है कि इसको कहाँ से लिखा जाए। तो कहाँ से लिखने के लिए देखिए, एक आसान तरीका, यदि आपके पास विद्या है, विद्या क्वेश्चन बैंक है, तो विद्या क्वेश्चन बैंक में पीछे आएंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट कार्य मिल जाएगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर आप जो है इसके द्वारा जो मैथ में जो है जो भी टॉपिक मेंशन किया गया है उस टॉपिक को मैथ में बकायदा बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे है कि पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कैसा है, तो मैथ के बुक में वो चीज़ सत्यापन दिया गया है, तो उसको पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से आप अगर जो सुटेबल हो तो यहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा करके दिया है, तो इसको छोटा छोटा करके लिखना है, शॉर्टकट में लिखना है। ठीक है ना, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट एक में यहाँ पे प्रोजेक्ट एक दे दिया है, प्रोजेक्ट दो में आपको इधर मिल जाएगा प्रोजेक्ट दूसरा वाला, तो दूसरा वाला प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप कहेंगे कि इसका फोटो भेजने के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं इसका फोटो भेज दूंगा, या फिर आप वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इसका फोटो भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको लेकर लिख सकते हैं। ठीक है ना, यदि आपके पास विद्या नहीं है तो आप जो है वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, मेरे वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप जाइएगा यूट्यूब चैनल पे, गूगल पे वहाँ पे सर्च करिएगा www.everyexamtip.in, तो वहाँ से मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं और इसको डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य के लिए तीसरा विधि, यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में बताया गया है कि आर्यभट्ट के बारे में पूरा जीवन परिचय। ठीक है ना, तीनों प्रोजेक्ट आपको यहाँ विद्या से मिल जाने वाला है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ से प्रोजेक्ट लिखा जाए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आपके स्कूल में यदि कराया जाता है तो और बढ़िया है, स्कूल से कर लीजिएगा।
तो निश्चित तौर से वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।